हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से। जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच है, सेकंड T20 मैच, तो उसके बारे में पूरी एनालाइज करेंगे। वीडियो फटाफट वीडियो देखना। और मैंने जाकर डाल दिया यहाँ पे अफगानिस्तान आयरलैंड का पहला T20 मैच है, काफ़ी अच्छी विनिंग कर सकते हो अगर वीडियो पूरी देखोगे एनालाइज करोगे, तो फटाफट जाके देख लो। तो इस वीडियो में मैच की बात करते हैं। तो इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जिसका नाम हमारे यूट्यूब चैनल के नेम से सेम टू सेम है। तो जब सर्च मारोगे टेलीग्राम पर DREEM11 Doctor DOCTOR, जब ये सर्च मारोगे टेलीग्राम पे तो आपको 8600 प्लस सब्सक्राइबर्स, मतलब 8600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल दिखेगा, और उसमें एक फोटो लगी होगी चैनल पे ग्रैंड लीग में रैंक वन। तो फटाफट जाके चैनल को ज्वाइन कर लेना है। फटाफट आते हैं मैच के बारे में। तो जो मैच है वो सेम ग्राउंड पे जो कल वाला मैच जो कल हुआ था, तो यहाँ बात करते हैं फटाफट। तो कल तो वही सेम ग्राउंड है, तो एक अच्छा खासा स्कोर हुआ था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के फिर से हाई चांसेस जीतने के। यहाँ बात करते हैं निकोलस पोरन की। तो निकोलस पोरन को कल फर्स्ट राउंड प्रमोट किया गया था, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, मैंने कहा T20 के लिए कंप्लीट प्लेयर है। तो कल यहाँ पे इन्होंने एक गलती नहीं बोलूँगा मैं, कि अब इनके सारे बड़े बड़े प्लेयर है जैसे शिमरन हेटमेरो, कल मौका ही नहीं दिया उन्होंने, तो इसको बैटिंग आई नहीं कल, तो इस मैच में मिल सकती है, तो सब इग्नोर करके जा रहे हो, तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हो, इसको मिल सकती है ग्रैंड लीग के लिए, काफ़ी चिप बन सकता है आपके लिए यहाँ पे शिमरन हिटमेयर। यहाँ बात करें निकोलस पूरन के साथ तो 100% जाना बनता है, क्योंकि एक विकेट कीपर है, प्लस आपको कैचिंग स्टंपिंग का पॉइंट देने वाला है, और क्या वर्स्ट डाउन बैटिंग करने आने वाला है, तो काफ़ी अच्छी पिक बनता है आपके लिए यहाँ पे निकोलस पूरन। यहाँ बात करें आप यहाँ पे के परेरा की बात करें, कैप विकेट कीपर ये भी है, और यहाँ आपको कैचिंग और स्टंपिंग के पॉइंट देने वाला, प्लस पिछले मैच में कल वाले मैच में 66 रन कुछ इनकी इनिंग खेली थी, तो एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है। और T20 के मैंने पहली वाली वीडियो में भी कहा था मैंने कि T20 का कंप्लीट प्लेयर है कुशाल जनित परेरा, तो अपने स्मॉल लीग की टीम में दोनों को जरूर लेके आना है। तो हमारे पे क्रेडिट की दिक्कत आने वाली है, तो फटाफट हम थोड़ा एनालाइज करते हैं कि किसी प्लेयर को छोड़ना किसको लेना पड़ेगा। या बात करें किरण पोलार्ड की, तो किरण पोलार्ड का बैटिंग ऑर्डर भी ठीक है, बट इसको बॉलिंग में देखा जाए तो दो ओवर डाले थे, बट हर मैच में नहीं होगा, क्योंकि अगर श्रीलंका थोड़ा अच्छा खेलेगी, थोड़ा टाइट मैच हुआ तो ये बॉलिंग करता हुआ नहीं दिख सकता, क्योंकि इनके पास बहुत भी ऑप्शन है बॉलिंग के। तो आप मैं पहले पोलार्ड को अभी थोड़ा इग्नोर करके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आते हैं अब हम, क्योंकि अगर थोड़ा वैसा मैच हुआ तो हेतमेयर पक्का कन्फर्म ऊपर ही आएगा पोलार्ड से। तो मैं बात करें एनली मैथ्यूज का, तो एक अच्छा प्लेयर है और पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेता है, और तो इसको हम थोड़ा इग्नोर करके चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा फॉर्म में नहीं चल रहा है, बैटिंग से पूरी वनडे सीरीज भी थी मेरे को बैटिंग से आउट ऑफ फॉर्म रहा, भले ही इसने लास्ट वनडे में 4 विकेट ली थी, बट हम इसको ऐसा बैट्समैन देखते हैं, बॉलिंग इसकी कन्फर्मेशन नहीं होती, कन्फर्म करेगा ही करेगा। तो यह बात करें कुशाल मेंडिस की, वनडे में इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी मार दी 3 वनडे में, तो एक अच्छा प्लेयर है, बट एक T20 में हमें थोड़ा ऐसा प्लेयर चाहिए जो थोड़ा T20 के हिसाब से खेलता हो और एक अच्छा फॉर्म में हो T20 के रिगार्डिंग में। तो याद करें अविष्का फर्नांडो जो पूरे T20 के फॉर्म में एक काफ़ी हिटर, अच्छा बैट्समैन है, ओपन करने वाला है, और प्लस के पास हमने वनडे में देखा होगा सेंचुरी भी मारी थी और एक हाफ सेंचुरी मारी थी, काफ़ी अच्छा प्लेयर है ये अविष्का फर्नांडो, और काफ़ी यंग प्लेयर है और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेता है। या बात करें एल सिमंस, काफ़ी अच्छा प्लेयर बन जाता है, ओपन करने वाला है आपके लिए, और प्लस आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट देने वाला है बैटिंग से, तो काफ़ी अच्छा प्लेयर बनता है आपके लिए, मान लिया लैंडन सिमंस, और का ऐसा प्लेयर है जो वर्ल्ड वाइड सारे टूर्नामेंट खेल चुका है एक तरह से, और IPL हो जो मर्जी हो उसने सारे टूर्नामेंट खेले हैं, और एक T20 स्पेशलिस्ट है, वेस्ट इंडीज़ की टीम इसी भी से T20 के लिए ही बुलाती है। यहाँ बात करें रोमन पॉवेल ने कल 2 विकेट लेके दिखाए थे, बट ऐसा नहीं होगा कि हर मैच में 4 ओवर डालेगा, क्योंकि एक ऑलराउंडर बॉलिंग ऑलराउंडर बोले तो बॉलिंग ऑलराउंडर बोले मतलब एक ऑलराउंडर है मेन, इसको बैटिंग के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है, तो बॉलिंग कन्फर्म नहीं करेगा पूरे 4 ओवर, ये क्वार्टरल से कल 2 ही ओवर करवाए थे, तो ऐसा रोज रोज होगा नहीं क्वार्टरल से कि 2 ओवर करवा रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को पता था कि हम 1 सेट विन करने वाले हैं। तो यहाँ पर शियान जोशिया को प्रमोट किया गया था पर जल्दी आउट हो गया था, तो इसको हम थोड़ा इग्नोर ही करके चलेंगे स्मॉल लीग में, जो ग्रैंड लीग में चाहो ट्राई करते थे, जब बांग्लादेश जब ये पाकिस्तान गई थी श्रीलंका की टीम, तब इसने दक्षिण शना के कहा था एक मैच में डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप की थी वनडे में, तो एक अच्छा प्लेयर भी है, अपनी टीम में ले सकते हैं, पार्ट टाइम बॉलर भी है, तो थोड़ा इग्नोर करेंगे स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए बन सकते हैं आपके लिए पिक। यहाँ बात करें ब्रैंडन किंग, क्योंकि इन दोनों से प्रेफर ऊपर इसलिए कर रहा हूँ ब्रैंडन किंग को, क्योंकि ओपन करने वाला है लैंडी सिमोन्स के साथ, तो इसलिए इसको प्रेफर कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये दो बड़े नाम है, और रिसेंट में CPL में इसने एक मैच में 133 रन की इनिंग भी खेली थी, और CPL में काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी था ब्रैंडन किंग, तो एक अब ओपन करने वाला है, तो हमारे लिए थोड़ी सेफ चॉइस भी रहेगी, चाहे बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करे सेकेंड बैटिंग करे। तो यहाँ बात करें एंड्रे रसल 100% 4 ओवर करेगा, प्लस को बैटिंग के लिए जरूर प्रमोट किया जाएगा, बाद में बैटिंग करे पहले बैटिंग करे।
तो यहाँ बात करें तिशारा परेरा पे आते हैं। तिशारा परेरा ने 3 ओवर डाले थे, भले ही पिटा और थोड़ा सा, और बैटिंग भी कंफर्म करेगा करेगा, तो एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है तिशारा परेरा, और अपनी टीम में लेना बनता भी तिशारा परेरा को, तो मैं इसको लेके जाऊँगा। तो इसका सिलेक्शन 21% है, बट मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है अभी, तो इसको लेंगे ज़रूर। और यहाँ बात करें डेरन ब्रावो ने 4 ओवर पूरे डाले थे, एक विकेट मिला था, तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है डेरन ब्रावो, आपको सबको पता है डीजे ब्रावो कैसे बैटिंग करता है और बॉलिंग कैसे करता है। अब इनका दिक्कत यह है कि इनके पास सारे इतने पावर हिटर बैट्समैन हैं, अब किसको कब बैटिंग का मौका मिलेगा वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, ये बड़ी दिक्कत की बात आ जाती है इनकी टीम से। तो ब्रावो वैसे 4 ओवर के बाद डेथ में बॉल डालेगा तो पूरे विकेट लेने के चांसेस के, तो ये थोड़ा चॉइस ले सकते हैं। फिर वहीं दूसरा रंग जरूर जाना चाहूँगा, क्योंकि इसने पिछले 5-6 महीने से काफ़ी इंप्रेस कर रखा है, जब भी इसको मौका मिलता है बैटिंग से बॉलिंग से इसने हमेशा पॉइंट लेके दिए। तो यहाँ बात करेंगे परेरा की जगह मैं हसारंगा के साथ थोड़ा प्रेफर करना चाहूँगा, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके जा रहा है रिसेंट में। वनी तो हसारंगा बैटिंग हो या बॉलिंग हो, इसने पिछले 6 महीने से पूरा इंप्रेस कर रखा, वनडे सीरीज़ और T20 सीरीज़ हो, और काफ़ी मतलब इसने इंप्रेस ही कर रखा बंदे ने। 2-3 विकेट निकाल जाता है कभी बॉलिंग, इंडिया सीरीज़ हो वही पाकिस्तान सीरीज़ हो जो भी सीरीज़ हो। या बात करें लसित मलिंगा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है यहाँ पे, और मैं आपको बोलूँगा इसने रिसेंट में ही 4 विकेट निकाले थे एक मैच में अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट श्रीलंका में, तो एक भाई ऐसा प्लेयर है जो कभी भी 4 विकेट निकाल कर दे सकता है। यहाँ बात करें कॉटरेल आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है, तो कॉटरेल के साथ जाऊँगा क्योंकि कन्फर्म 4 ओवर डालेगा, हर मैच में ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं डालेगा, 2 ही ओवर डालेगा। तो यहाँ बात करें आप यहाँ पे उडाना के साथ जा सकते हो, तो फिलहाल अभी मैं उडाना के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने वाला है, अपने पूरे 4 ओवर डालता दिख जाएगा, और प्लस बैटिंग काफ़ी अच्छी कर है। रिसेंट में जब अफ्रीका गई थी इसने एक मैच में 73 रन भी मारे थे, उसने काफ़ी बार अपनी बैटिंग से प्रूव भी करके दिखाया कि बैटिंग भी करना जानता है। तो यहाँ पे आप उडाना के साथ जा सकते हो, एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है, बट ओशन थॉमस को मैंने पिछले मैच वीडियो में भी कहा था कि कैसा बॉलर है जो 3-4 विकेट इसके ले जाना बहुत आराम बात है, उसे 5 विकेट निकाल दी, क्योंकि इसकी बॉलिंग में इतनी हाइट है, इतनी इतनी हाइट है और इतनी पेस है, इसके इतनी बाउंस है, तो किसी बॉलर के लिए खेलना आसान नहीं होता इसके जैसे बॉलर को, और न्यू बॉलर है तो थोड़ा डिफरेंट होता है पिक करना। तो अभी आप यहाँ तक तो अशिता फर्नांडो को गए अंडर 19 का प्लेयर इग्नोर करना, हेडन वॉल्श को मेरे ख्याल से नहीं खिलाएंगे, स्पिनर है। तो यहाँ बात कर लक्ष्य संत अगर स्पिन करता दिख सकता है आपको, थोड़ा पिच वैसी है, बट इनके पास इतने एग्रेसिव बैट्समैन है जो कभी भी गेम को इधर से उधर कर सकते हैं, थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे हम श्रीलंका के बॉलर्स को। तो मलिंगा को लगेगा एक बंदे का बहुत एक्सपीरियंस है बॉलिंग करने वाला, यहाँ से रंगा बैटिंग बॉलिंग से, यहाँ ओपन यहाँ ये, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लेयर पूरे हो चुके हैं। यहाँ बात करें लहिरू कुमारा को नहीं खिलाएंगे, फास्ट बॉलर है, तो केसरी विलियम खेलता जरूर ट्राई कर लेना टीम से, इसके बाद काफ़ी अच्छी वेरिएशन वगैरह है और काफ़ी अच्छी बॉल डालता है यार। शनाका को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, इसने अभी जब पाकिस्तान गई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम और उसकी टीम श्रीलंका की टीम, तो इसकी कैप्टनसी में 3-0 से विन करके आई थी श्रीलंका के कैप्टन में श्रीलंका, तो मानना पड़ता है कैप्टनसी में, और काफ़ी अच्छी बैटिंग करने परफॉर्मेंस करके दिखाई, इसने वर्ल्ड वाइड सारे T20 टूर्नामेंट खेले हुए हैं। फैबियन एलन अगर खेल फैबियन एलन तो ग्रैंडलिंग में जरूर ट्राई कर लेना है, काफ़ी अच्छा हिटर बैट्समैन है प्लस स्पिनर है लेफ्ट आर्म। तिशारा परेरा को ट्राई करना चाहो तो करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, लास्ट मैच में देख के मत जाना, ग्राइंडिंग में जरूर ट्राई करना, कि तिशारा परेरा सबको पता है कौन है, रिसेंट में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 140 रन मारे थे, इसमें 13 छक्के मारे थे तिशारा परेरा ने। या पोवेल को ले सकते हो आप अपनी टीम में, बट अभी यहाँ पे आपका हितमैया रहे जो इसको लास्ट मैच में कल वाले मैच में बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे करवाया, या केरन पोलार्ड है आपके पास, केरन पोलार्ड को भी प्रमोट कर सकते हैं बैटिंग में ऊपर नीचे प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग करता दिख सकता है, बट मैं चाह रहा हूँ किंग के साथ जो इसके 100% बैटिंग आनी आनी है, तो यहाँ पे आप चाहो तो यही कर सकते हो, बट आपके थोड़ा किंग मैं चाहूँगा किंग के साथ जाऊँ। बाकी आपको फाइनल टीम आफ्टर टॉस मिल जाएगी टेलीग्राम पे, फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है सेम नेम से चेम चेक चेक कर लेना है, वहाँ पे सर्च मारना है Dream11Doctor, 8600+ सब्सक्राइबर्स वाला चैनल ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पे आप फुट ग्रैंड लीग की रैंक 1 वाली फोटो होगी चैनल की, तो फटाफट उस चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना है। खुशाल मेंडिस ले सकते हो, मैथ्यूज ले सकते हो, मैथ्यूज बिल्कुल बैटिंग से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, मेंडिस ले सकते हो अपनी टीम में आप, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, और जो मैच है वो सेम ग्राउंड में, तो आप ट्राई कर सकते हो ऐसे, ये विकेट कीपिंग में तो सेम सही रहेंगे दोनों, बैटिंग करने ऊपर ही आएंगे, तो ऐसे कर सकते हो ग्रैंड लीग में दोनों को ट्राई कर सकते हो। शिमरन हेटमेयर डेफिनेटली ग्रैंड लीग का पिक बनता है आपके लिए कल, तो ऐसे कर सकते हो ट्राई कल। और यहाँ पे मैं कैप्टन चाहूँगा कि मैं जाऊँगा एंड्रे रसेल, और वाइस कैप्टन सिमोन्स या के परेरा कर सकते हो आप। तो फिलहाल हमारी टेम्परेरी टीम ये रहेगी, आप चाहो तो ड्रेन ब्रावो की जगह केरन पोलार्ड ट्राई कर सकते हो, तो फिलहाल ये टाइम रहेगी, फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो वीडियो लग के अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो फिर यही है आपके ऑप्शन, ग्रैंड लीग वगैरह में कर सकते हो आप, यहाँ पे ड्रेन ब्रावो को जरूर ट्राई करना ग्रैंड लीग में कैप्टन, मलिंगा थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे इनके सारे एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं, कॉटरेल जरूर ट्राई करते हो, ओशिन थॉमस हो गया यहाँ पे,
अब पूरन हो गया, तो ये ट्राई करने आपको हिमरॉन हितमैर को जरूर ट्राई करना है टीम में अपने। और यहाँ पे आपको कर सकते हो तिशारा परेरा को कन्फर्म जरूर ट्राई करना है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए। तो फिलहाल ये टीम रहेगी हमारी, और फाइनल डे आपको आफ्टर टॉस मिल जाएगी, आपको जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे किंग की जगह ओपन पेलवाड़ वगैरह, बट मैं इसके बाद जा रहा हूँ। तो फिलहाल ये टीम रहेगी, फाइनल डे आपको आफ्टर टॉस मिल जाएगी टेलीग्राम पे। बाय बाय मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।